हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके बताता हूँ। आप भी अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए शुरू करते। सबसे पहले अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है आयुष्मान आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड टाइप करने के बाद सर्च बार पर क्लिक कर दीजिए। इस टाइप से आयुष्मान कार्ड टाइप करके सर्च बार पर क्लिक कर दीजिए। सर्च बार क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट खुलेगी। आपको सिंपल सी इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अपने को यहाँ आधार पर क्लिक कर लेना है। आधार पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आएगा सिलेक्ट स्कैम, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे PMJAY सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट स्टेट यानी अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने को अपना आधार नंबर डाल देना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद द इस कैप्चे को अपने को राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार में जो भी नंबर अपडेट होगा उसमें एक OTP जाएगा। चलिए OTP का वेट कर लेते हैं। हो सकता है OTP थोड़ा लेट आए। चलिए अपना OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। ये डाउनलोड आधार, सिंपल सी अपने को इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फिर ऑप्शन आएगा डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।